परमेश्वर ने मेरे मन दे विच मैसेज पाया और प्रभु ने कहा कि जो मैं तेन दवांगा पूरे वीक दौरान परमेश्वर ने मैनू मेरे दिल नू खोलिया और उस जिहड़ा संदेश आ सब ने ध्यान दे नाल सुनना और एक एक जिहड़ा वचन आ उह परमेश्वर की हजूरी दे विच ताया होया आया आ और जो असी उहनू ग्रहण कर लवांगे तो साडा जीवन सेम नहीं रहेगा बदल जाएगा। आमेन आमेन आमेन। और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਜਾਂ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और प्रभु मेरे नाल अपना हार्ट उन्हें खोलना शुरू किया और प्रभु दसना शुरू किया परमेश्वर ने कि अज अगर जिहड़ी संसार दे विच अगर किसी की सब तो वड्डी जरूरत आ, चाहे वह परमेश्वर ने कहा, चाहे वह मेरे लिए आ, चाहे मेरे बच्चों के लिए, चाहे कलीसिया के लिए आ, वह सब तो वड्डी जिहड़ी जरूरत आ अज जिहदी कमी खलदी पई आ वह एक रिलेशनशिप की आ, एक रिश्ते की आ। और वह जिहा रिश्ता परमेश्वर अपने बच्चों के नाल बना चाहता है और साड़ी भी जिम्मेवारी बनती है जिन्हें वो बच्चे आ एक मजबूत रिश्ते एक गूढ़े रिश्ते परमेश्वर के नाल कायम करिए। अगर असी चाहते कि साड़ी जीवन दे विच कलर भर जान, उदे रंग भर जान, और रिश्ता अजिहा आ कि परमेश्वर भी उस रिश्ते तो बिना रह नहीं सकता। परमेश्वर चाहता कि मेरा हर एक धी भैन के नाल, हर एक पुत्र भरा दे नाल मेरा एक निजी एक गूढ़ा रिश्ता बने और प्रभु का यह दिल आ कि मैं अपना रिश्ता हर एक दे नाल बड़ी गूढ़ी रीति दे नाल मैं स्थापित करना चाहता हाँ। और प्रभु उस रिश्ते तो बिना खुश नहीं आ अगर किसी का उस परमेश्वर के नाल रिश्ता नहीं आ। गॉड इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। और प्रभु ने कहा कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हाँ कि जो मेरे बच्चे मेरे तो दूर भजते आ, वो डरते आ और मेरे बारे उन्होंने समझ नहीं, ज्ञान नहीं कि मैं वो रिश्ता कायम करना आ। और प्रभु कहता कि मैं अपने आप में इकला फील करता हाँ और सानू भी चाहिए आ उस रिश्ते दे विच बजना, उस रिश्ते दे विच एक गूढ़ता एक मिठा संबंध उस परमेश्वर के नाल कायम करना। और इसलिए हर एक मसीह नूं परमेश्वर ने कलीसिया दे विच बुलाया है। आमेन आमेन। कलीसिया दे विच आना, संडे सर्विस दे विच आना साडा होर कोई दूजा मकसद नहीं। अगर साडा प्रभु दे नाल रिश्ता नहीं आ, अगर असी प्रभु दे दासा दे वचन नूं सुन के साडा रिश्ता प्रभु दे नज़दीक नहीं आया, दो गल्लां हो सकदियां। जां तां जिहनूं तुसीं सुणदे आ उह सही नहीं आ, उहदी टीचिंग सही नहीं आ, जां दूसरी गल असी गलत हाँ जिहड़े सुणदे पए आ कि असी प्रभु दे नज़दीक क्यों नहीं जा रहे। ऐतवार दे ऐतवार लंघदा जांदा पिया, असी प्रभु दे कोल क्यों नहीं आ रहे। ते सानू जरूर इस गल की छानबीन करन की जरूरत आ क्योंकि प्रभु जिहड़ा आ उह जल्दी आ रहा आ। आमेन। किसी नूं वेट है, प्रभु जल्दी आ रहा आ और प्रभु अपने उन्हां लोकां नूं लैके जाएगा, उन्हां लोकां नूं इकट्ठा करेगा जिन्हां ने एक गूढ़ा रिश्ता कायम किया उस परमेश्वर दे नाल। उस समय वह लोग बदलां दे स्वर्ग दे विच उठाए जाणगे जिन्हां दा गूढ़ा रिश्ता प्रभु दे नाल आ, जिन्हां ने प्रभु नूं सचमुच अपने निजी लाइफ एक परसनल रिलेशनशिप दे विच जाणिया आ। और बाकी चाहे जिन्ना मर्जी किसी तरह दा बोलदे होण चलदे होण प्रभु दे नाल, उह शायद उन्हों प्रभु उन्होंने लोगों के नाल कोई मतलब नहीं होएगा और प्रभु जल्दी आ रहा है। हाले लो या। और बीते दिन जो मैं प्रार्थना के और प्रभु ने मैनू दिखाया कि जोड़ा आसमान रंग बदल रहे, बहुत सारे वो रंग बदल रहे हैं और ठीक जिमें बइबल लिखा कि परमेश्वर के आन तो पहला जोड़ा वो रोशनी आ एक चंद्रमा का जिमें लहू लहान हो जाता है, उस प्रकार वो गल्ला होन गया और प्रभु आएगा। और प्रभु ने इन्ना भी मैनू कहा कि उदे आन तो पहला काल पैना शुरू होएगा और मैनू नहीं पता किहड़ी जगह ते किहड़े देश दे विच, और जल्दी 23 तो 25 दिन दे लई उस देश दे विच काल पै जाएगा जदों 25 दिन तक लोगों नूं खाना नहीं मिलना।
और यह साइन आ प्रभु के आने के लिए, और प्रभु अपने लोगों को चाहता है कि मेरे लोग मेरे नाल एक मजबूत रिलेशन दे विच बच जाण। पर सानू डर यह आ कि असी प्रभु तो डरते हाँ, असी भजदे हाँ, सानू पता नहीं लगता कि असी प्रभु दे नाल रिश्ता किवें कायम करना आ। प्रभु साढ़े नाल एक रिश्ता इहो जिहा कायम करना चाहता जिहड़ा वह रिश्ता एक माँ और पुत तो वध के आ, एक भरा और भैन तो वध के आ, एक दोस्त और दूसरे दोस्तों बद के आ। प्रभु यहो जे रिश्ते की तलाश के और हर रोज़ अपने लोगों देखता आ, स्वर्ग को देखता कि इन्ना मैं आलीशान स्वर्ग बनाया पिया पर मेरे लोग मेरे तो दूर भजते पे आ। हाले लोहिया पुराने नवे जो पुराने समय के नविया की सेवकाई सी वह लोगों परमेश्वर के नज़दीक लैके आते पर लोग अपने हठीले पाते कारण पाप के कारण प्रभु तो दूर भजते थे। और अज भी इहो जे आया सानू दुनिया दी चीज़ां अके आ पर प्रभु नहीं चाहिदा। और किते ना किते सानू डर आ कि प्रभु शायद साडे लई पता नहीं, असी प्रभु नू पा ही नहीं सकदे, साडी उह काबिलियत नहीं आ, असी इन्ने नीच आ, असी इन्ने पापी आ, शायद साडी इह मैंटैलिटी बन चुकी आ। पर बाइबल दे विच लिखिया आ यकूब दी पत्री कढ के कि प्रभु साडे नाल किवें एक रिश्ते नू कायम करना चाहुंदा आ। यकूब दी पत्री सब जन कढ के ਉਹਦਾ ਦੋ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ, ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ ਦੋ ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਾ ਜਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਆ ਔਰ ਯਹ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਧਰਮ ਗਿਨਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहते पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और जे उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया हालेलुया। और सब तो पहला जेड़ा रिलेशनशिप आ, परमेश्वर साडे नाल एक दोस्ताना रिलेशनशिप कायम करना चाहता है। आमेन। अब्राहम ने विश्वास किया और वह उदे लिए धर्म गिणया गया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। लिख लीए जे नहीं तुहानू पता लग्या, बाइबल पढ़ना जरूरी आ। बोलिए अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। सब जन अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਮਿੱਤਰ ਕਹਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और परमेश्वर जिहड़ी सब तो पहली बुलाहट आ उहदे रिश्ते दी, वह हर एक धी भैन नूं, हर एक पुत्तर नूं, हर एक भाई नूं, पूरे कलीसिया दे विच चाहे कोई भी किसे तरह दा क्यों नहीं आ, वह इसलिए सानूं बुला रहा आ कि तुसीं उस परमेश्वर दे दोस्त कहलाए जाओ। मैं आमेन। हालेलुया हालेलुया। और सानूं क्यों इहो जिहा डर वा, असीं क्यों नहीं प्रभु दी हजूरी च बैठ पाउंदे, क्यों नहीं असीं बाइबल पढ़ पाउंदे, क्यों सानू दुनिया दी दूसरिया प्रेफरेंस दूजिया चीजा नूं असी अगे कर दिता ते प्रभु साडे तों पिछे हो गया आ। और प्रभु भी स्वर्ग दे विच एक दुखी हिरदे दे नाल देख रहा आ कि कोई मेरा मित्र बन जाए। हालेलुया हालेलुया। किसे नूं चाहीदी उस परमेश्वर दी मित्रता? हां जी, किसे नूं चाहीदी उस परमेश्वर दी मित्रता? और उस परमेश्वर दी मित्रता दुनिया दी जिहड़ी फ्रेंडशिप आ, दुनिया दी मित्रता तों किते वध गई आ। हालेलुया हालेलुया। और एहो जिहा संबंध, गूढ़ा संबंध जिवें एक दो सके मित्रा दे विच हुंदा आ, और ठीक उस प्रकार परमेश्वर अपनी कलीसिया दे नाल एक मित्रता पूर्वक संबंध नूं कायम करना चाहुंदा आ। आमेन। और उस लई परमेश्वर दी आवाज आ कह रहा कि मैं 100% तैयार हाँ, हुण सिर्फ मैं अपनी कलीसिया दी वेट करदा कि वह भी तैयार हो जाण और मेरे नाल उस रिश्ते दे विच बज जाण। हालेलुया हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ,
और बहुत ज्यादा एक दूसरे की उन्होंने एक दूसरे के उत्ते विश्वास होंगे आ, एक दूसरे दल्ला पता होंगे आ, क्यों एक एक अच्छे रिलेशन एक मित्रता के कारण होंगे आ। इस तरह आ हुण परमेश्वर की जिहड़ी मित्रता, परमेश्वर जो साडे नाल हुंदा पिया आ, परमेश्वर सब जाणदा आ, पर जो परमेश्वर दे कोल आ उह सानू किसे नू पता नहीं आ कि परमेश्वर की चाहुंदा आ। सानू क्यों नहीं पता? क्योंकि असी परमेश्वर दे मित्र नहीं बने। जिहड़े दो आपस दे विच सखियां सहेलियां आ जां दो सके मित्र आ, उहनां दे कोलों एक दूसरे की जिहड़ी मर्जी गल पुछ लो, उह दस देणगे। और कुछ दोस्त इस तरह के आ कि एक दूसरे तो बिना वो खाना तक नहीं खाते, पर एहो जे कुछ दोस्त आ कि वो अपने पैसे की परवाह नहीं करते, जो दो कट्ठे बैठ जाते आ जो उनका पैसा खत्म हुंदा हो जाए, वो अपने दोस्त के लिए सब कुछ देना जानते आ। क्यों? सिर्फ एक रिलेशनशिप के कारण वो इस गल के लिए मजबूर आ, एक दूसरे की उन्होंने केयर टेक करनी, एक दूसरे का ख्याल रखना। हालेलुया। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त का ख्याल रख सकता तो बाइबल का परमेश्वर कहता कि जेड़ा अब्राहम मेरा मित्र होया, ठीक वह सानू भी अपना मित्र बनाना चाहता है ते वो साड़ा ख्याल रखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। शर्त यह है कि सानू पता होना चाहिए कि वह साड़ा कितना ख्याल रख सकता है। अब्राहम ने विश्वास किया। एक अब्राहम कसदिया के देश विचों उर देश दे विचों जिन्हें कभी परमेश्वर नहीं जाणिया, जिहड़ा अपनी मूर्ति पूजा दे विच सी, अपने अलग धर्म दे विच सीगा, और परमेश्वर की एक अनजाण परमेश्वर की उन्हों आवाज आई, अब्राहम सारा कुछ छड्ड दे, अपने साख संबंधी रिश्तेदार, अपना पिंड शहर देश छड्ड के मेरे पिछे हो चल, और मैं एक तेरे नाल वाचा बंधदा आ, एक फ्रेंडशिप का मैं एक संधि करता आ कि जिथे तू जावगा मैं तेनू बधावगा। हालेलुया। जेड़ा तेनू आशीष देगा मैं उन्हों आशीष देवगा, मैं तेरा नाम महान करांगा, तेरे जेड़े कौम दे विचों तेरे बच्चों दे विचों राजे महाराजे बन के निकलेंगे, मैं उन्होंने आशीष से आशीष दिंदा जावगा। हालेलुया। हालेलुया। और ओ अब्राहम जिन्हें कभी परमेश्वर के बारे जानिया नहीं, जिन्हें कभी आवाज नहीं सुनी, वह अनजाण परमेश्वर की आवाज सुन के सारा कुछ छड़ के उस परमेश्वर के पिछे हो चलता है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक आवाज के नाल ते अज सानू किन्नी आवाजा मिलदिया आ, किन्ने असी संडे प्रचार सुनते हैं, किन्नी बारी सानू बाइबल गल्लां करदी आ, साडे सिर ते क्यों जू नहीं सरकदी? जे जिमें अब्राहम ने सिर्फ एक बारी किया ते उन्हें सारा कुछ छड़ के प्रभु के पिछे हो चलिया, पर अज असी टस तो मस क्यों नहीं हो रहे? सानू डर आ कि परमेश्वर दे पिछे चल के शायद मेरा नुकसान हो जाना, परमेश्वर के पिछे चल के शायद मेरी बदनामी हो जानी है, शर्मिंदगी मिल जानी है। अज सानू पता नहीं केड़िया गल्लां दा डर आ, पर अब्राहम नूं एक आवाज आई ते ओह उस आवाज दे पिछे होके चल पिया, एक अनजाण परमेश्वर दी आवाज। कदी नहीं जाने असी उन्हें सेना दा यहोवा परमेश्वर कौन आ, बाइबल दा परमेश्वर कौन आ। सिर्फ उहदा प्रति उत्तर यह सीगा कि जो प्रभु ने उहदे नाल संधि की, जो वाचा बंधी, सिर्फ उन्हें आज्ञाकारी ते उहदा विश्वास किया। हालेलुया। ते अज असी आज्ञाकारी क्यों नहीं कर पाते? अज असी विश्वास क्यों नहीं कर पाते? भविष्यवक्तावां दी इन्नी आवाज आ, पासवाना दी इन्नी आवाज आ, परमेश्वर दी आवाज इन्नी आ, सुपनिया दे विच दर्शनां दे विच इन्नी आवाज आ, असी क्यों नहीं विश्वास कर सकते? जिथे अब्राहम ने एक आवाज का विश्वास किया ते उन्हें आज्ञाकारी की, उहदा आज्ञाकारी करना, उहदा विश्वास किया जाना, उहदे लई धर्म गिणिया गया, और उहदा जिहड़ा धर्म गिणिया गया वह इस लई परमेश्वर का मित्र कहलाया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। किन्ने जन परमेश्वर का मित्र बनना चाहते हैं? सिर्फ मित्र बनने के लिए कि जो परमेश्वर की आज्ञा आ, जो परमेश्वर ने फरमाया आ, उहदे उत्ते असी विश्वास करना, कर्मा के सहत उहदे उत्ते असी चलना भी आ, पर अजिहा करना असी परमेश्वर के मित्र कहला सकते हैं। हालेलुया। मित्र कहलाना कोई छोटी गल नहीं है। राजा दा राजा, प्रभु दा प्रभु, जिहड़ा स्वर्ग दे विच सिंहासन दे उत्ते विराजमान आ, जिहनूं देख के धरती कंबदी आ, आसमान अपना रास्ता छड्ड दिंदा आ, उह कह रिहा मेरे कोल आ जाओ, मैं तुहानूं अपने मित्र बनावांगा। हालेलुया। कोई छोटी गल नहीं, कोई छोटी गल नहीं है।
दुनिया दे विच जेड़े दूसरे परमेश्वर आ और लोग उन्होंने कह रहे हैं कि मैनू तू अपने दर का कूड़ा बना ला, मैनू अपने दर का कुत्ता बना ला, फलाना धमकाना बना ला, पर साडा परमेश्वर कह रहा है मैं तुहानू अपना मित्र बनाना चाहता हाँ। हालेलुया। और रोंदे आ, कटदे आ, फड़दे अपने आप नू कि परमेश्वर दे नाल मेरा कोई रिश्ता कायम हो जाए, पर इस जगह ते बाइबल दा परमेश्वर कह रहा मैं अपने पुत्रा धीआं नू अपने मित्र बनाउण दे लई बुला रहा हां। हालेलुया। और अजिहा मित्र जिहदे विच परमेश्वर दे दिल नू असी सुन सकते हां, उहदीआं गहरीआं गल्लां नू असी प्राप्त कर सकते हां, और जदों दो सके मित्र हो जांदे आ उहनां दे विच कुछ भी उहनां दा अपना प्राइवेट कोई नीची नहीं रह जांदा, सारा कुछ वह एक दूसरे दे नाल शेयर करदे आ, एक दूसरे दे नाल बैठदे आ, वंडदे आ और खांदे आ। हालेलुया हालेलुया। और उही साडा बाइबल दा परमेश्वर कह रहा तुसीं मेरे नाल बैठो, जो मेरा हैगा या वो ताड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और जो ताड़ा या वो मेरा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। सानू लगता कि प्रभु बस एक पुत्र दे दे, प्रभु बस सानू एक घर दे दे, बस मैं उदे विच रहना या, पर प्रभु कह रहा जो कुछ मेरा स्वर्ग दे विच मैं सारा तुहानू दे देवांगा, और जो कुछ ताड़ा पुत्र थी या तुसी मेनू दे दो वो मेरा हो जाएगा। हालेलुया। असी अज की करते हैं कि साडा पुत्र थी या कोई खरा रिश्ता मिल जाए, मसीह चाहे ना भी होवे, प्रभु नू जानदा चाहे ना भी होवे, असी प्रभु दे कित्थों मित्र कहलाए जाना जे असी अपने बच्चों का मसीहा दे विच ब्याह नहीं करते। जो मित्रता होंगी साडा अपना कुछ नहीं रह जाता, अब्राहम का कुछ भी उदा नहीं रहा, वह प्रभु के पिछे उदे आखे लग के चल गया, तो जोड़ा पैसा भी वह फिर साडा नहीं रह जाता, वह भी प्रभु का हो जाता, तो आप कभी भी उस पैसे नू प्रभु का जो वो भवन के लिए सेवकाई दे असी कभी भी उन्होंने मार नहीं सकते, असी लुको के नहीं रख सकते, सारा कुछ प्रभु का हो जाता जो असी प्रभु के हो गए। आमेन। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु भी किसी गल दे लई अपने कोल रख नहीं छड़दा, जो कुछ परमेश्वर दा आया वो कह दिंदा आ कि मैं तुहानू दे दिता। हालेलुया हालेलुया। और अब्राहम ने विश्वास किया, और 75 साल का लगभग सीगा, 25 साल तक लगातार उन्हें विश्वास किया, हालांकि वादा पूरा नहीं होया, पर जो वादा पूरा होया उदे घर एक संतान पैदा हुई, और जो संतान भी पैदा हुई इसहाक पैदा होया, उन्हें भी परमेश्वर ने कह दिता तू इस तरह कर अपने बेटे की बलिदान करना, उन्हें बलि करना फलाने उस पहाड़ के उत्ते इनू बलि कर दे। मित्रता डिमांड कर दी आ, फिर मित्रता दे लई कुछ अपना नहीं रह जाता। कितना एक बुजुर्ग के घर जो बच्चा पैदा होया उन्हों भी उमारन दे लिए बलिदान करन दे लिए पहाड़ ते चले जाता, क्यों? किसी दे आखे लग के किसी ने कहा सी, वो जानता सीगा कि हुण जो कुछ मेरा आ वो प्रभु दा आ, और जो कुछ प्रभु दा आ वो मेरा आ, और इस गल दे आखे लग के इस विश्वास दे नाल ईवन उन्हें अपने बच्चे का भी बलिदान करना चाहिया, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी सी, वो जानता सीगा जेने मेनू बरकत दिती है वह कभी वापस नहीं खोएगा। आमेन। हालेलुया हालेलुया। जानता सीगा जे एक लेगा ता उनू एक दे एक हजार बेटे वापस करने पैने, वो जानता सीगा क्यों जिस परमेश्वर ने दिता है वह किसी नू दे के कभी खोंदा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अगर वह अब्राहम इन्ना विश्वास कर सकता सी जिहदे कोल बाइबल नहीं सीगी, जिन्हें परमेश्वर नू कभी जानिया नहीं सीगा, ते अज असी क्यों नहीं विश्वास कर सकते। हालेलुया। उन्हें विश्वास किया, इसलिए यकूब लिखता है यशाया उसके 41 अध्याय दे विच लिखिया कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया हालेलुया। राजा दे राजे प्रभु दे प्रभु परमेश्वर जेड़ा आ उहदा मित्र कहलाया। हालेलुया हालेलुया। और उस रिलेशनशिप दे लई परमेश्वर अज सानू बुला रहा है कि तुसी मेरे मित्र बन जाओ। हालेलुया हालेलुया। जो कुछ भी आ वो परमेश्वर के हवाले कर दो, प्रभु मेरे बच्चे मेरा घर सारा कुछ तेरा आ। हालेलुया। पर जे अज असी इन्ना गट्स रखते हैं, असी सारा कुछ परमेश्वर नूं समर्पित कर देंदे आ, तां परमेश्वर भी किसी गल नूं अपने कोल रख नहीं छड़दा, जो कुछ स्वर्ग आ स्वर्ग दे विच आ उह कहेगा ए मेरे पुत्र, हे मेरे धी, हे मेरे दोस्त, ये सारा कुछ ताडा आ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सानू दोस्ताना संबंध के लिए बुला रहा, सानू एक रिश्ते के लिए बुला रहा है। हालेलुया। पर उस रिश्ते कायम करन दे लई, उस रिश्ते उत्ते चलन दे लई
ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਈਕ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਾ ਮਨਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਹੇਲੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁੱਟਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੈਸਟ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
अगर तुहानू रिश्तेदार छड्डदे आ तुहाडे सके मित्र संबंधी छड्डदे आ तां छड्ड लैण दिओ, पर एक है जिहड़ा तुहाडे नाल एक गूढ़ा रिश्ता बनाउणा चाहुंदा आ, जिहड़ा तुहानू कहना चाहुंदा कि आ मेरा सका मित्र आ, आ मेरा बेस्ट फ्रेंड आ, इहदे नाल मैं जीवांगा, इहनू मैं अपने दिल दीआं गल्लां दस्सांगा, इहनू मैं स्वर्ग दीआं आशीषां देवांगा, और इहनू मैं अपने पूरे इहनां दे पिंड और मोहल्ले दे विच इहनां दा नाम मैं उच्चा कर देवांगा। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर इसलिए बुलाउंदा पिआ, अगर कोई छड्डदा आ तां परवाह ना करिए, उहनां लई प्रार्थना करनी आ, प्रार्थना करनी आ, क्योंकि अंधेरे और रोशनी का कोई मेल नहीं आ। परमेश्वर ने सानू रोशनी चानण दे विच बुला दिता आ, असी परमेश्वर दे चानण आ, ते जदों जिहड़े साडे फ्रेंड आ साडे रिश्तेदार जिहड़े अंधेरे च रहिंदे आ उह उस रोशनी नूं देखदे आ, उह देख के कबूल नहीं कर सकदे, इसलिए उह भजदे आ। हालेलुया हालेलुया। पर परमेश्वर सानू एक मित्रता संबंध दे विच बुलाना चाहुंदा, और उहदे लई सानू हर कोई कीमत अदा करनी पै जाए सानू करनी पैनी आ और करनी चाहीदी आ। असी दूजिया चीजा नूं असी वध नहीं जानना, परमेश्वर नूं वध जानना, और उस रिश्ते नूं कायम करन दे लई सानू दिन रात वचन पढ़ना पवे तां पैना आ, प्रार्थना करनी पवे तां पैनी आ, क्यों असी उस परमेश्वर दा जिहड़ा अनजाण पाना असी उहदे बारे जाणू होणा आ। हालेलुया 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 हालेलुया। जिहड़ा अब्राहम दे कोल बाइबल नहीं सीगी उह किन्ना परमेश्वर दे क्लोज आ गया। अज साडे कोल परमेश्वर दा नवां नेम, पुराणा नेम सारा कुछ हैगा, अज असी फिर उहदे तों दूर भज रहे आ। हालेलुया परमेश्वर बुला रिहा आ। जरमाया नबी दा दिल कह रहा परमेश्वर दे दिल दे विचों दी बोल के कि मेरे लोकां दे कोल मेरे लिए आवाज आ, ओ जिहड़ी आवाज आ ओ हानि दी नहीं आ, लाभ दी आ, कुशल दी आ, मेरी आवाज सुनन ओ क्योंकि मैं उन्हां नूं फलवंत करना चाहुंदा आ। हालेलुया हालेलुया। पर मैं फिर कह रहा कि परमेश्वर साडे रिश्ते तो बिना ओ खुश नहीं हैगा। जे असी उहदे तो दूर आ तां परमेश्वर निराश हुंदा आ, जे असी उहदा दिल दिखांदे आ, जे असी पाप दे विच भजदे आ, अगर जो परमेश्वर ने साडे लई ठहराया असी उहदियां आग्ञावां नूं तोड़दे आ तां परमेश्वर साडे तों खुश नहीं आ। अगर परमेश्वर ने सानू एक अच्छा मां बाप दा रिश्ता दिता आ, एक अच्छा हसबैंड वाइफ दा रिश्ता दिता आ, अगर असी उहनां रिश्तियां नूं तुच्छ जाण के अगर असी दुनिया पिछे भजदे आ, गलत संबंधां दे विच भजदे आ जिहड़े परमेश्वर ने नहीं ठहराए, तां परमेश्वर जिहड़ा आ दुखी हुंदा आ, और इसलिए असी वध नहीं पाउंदे, और इसलिए असी चमक नहीं पाउंदे। सानू लगदा कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों असी एक अच्छा रिश्ता प्रभु दे नाल कायम नहीं कीता। हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर दा मित्र बनांगा, बोलिए मैं परमेश्वर दा मित्र बनांगा। और मित्र बनना कुछ औखी गल नहीं आ, और मित्र अजिहा कि परमेश्वर तुहाडे तों बिना कुछ कर नहीं सकदा। मैं बाइबल पढ़ रहा सीगा और एक जगह ते मैं लिखिया देखिया जिहड़ा कूच दी किताब उहदे 32 अध्याय दे विच लिखिया आ कि जदों मूसा इजराइलिया दे नाल उहनां नूं उस मिस्र कौम तों आजाद करा के लैके आया और पहाड़ ते परमेश्वर दे नाल गल्लां करन गया, और मगरों जिहड़े इजराइलिया ने एक बछड़ा बना के उहदी मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दित्ती, और परमेश्वर नूं गुस्सा चढ़िया, और परमेश्वर ने कहा इन्हां हठीले लोकां नूं, ये जिहड़े बेकार लोग आ इन्हां नूं मैं धरती दे उत्ते मिटा देवांगा, और मूसा मैं तेरे तो एक वड्डी कौम उत्पन्न करांगा, मैं तेनू सारिया कौमां दा पिता बनावांगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जदों प्रेम करता है अपने लोगों नूं बचाउंदा, अपने मित्र नूं बचाउंदा है, दूजे फिर उहदी निगाह दे विच कोई परवाह नहीं करता, उह कहिंदा मैं तेरे तो एक वड्डी कौम बनावांगा। और जिहड़ा एक धरती दा मित्र मूसा परमेश्वर दे नाल चलिया और परमेश्वर नूं कह रहा है 32 अध्याय दे विच कूच दे, हे परमेश्वर तू ऐदां ना कर, तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, तू अपने गुस्से नूं शांत कर, ये मिस्र वाले की कहणगे, तू अपने बच्चों नूं मिस्र चों कढ के लिया के इस पहाड़ दे उत्ते नाश करन दे लई आया है, लोग की गल्लां करनगे, तू अब्राहम इसहाक याकूब दे नाल वादा कीता आ, परमेश्वर लोग तेनूं ताने मेणे देणगे, ये की कर रहा आ, ये परमेश्वर तू अपने फैसले तो मोड़, तू पछता। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर तू मोड़ जा, तू पछता। किदा हो सकदा कि एक धरती दे उत्ते इंसान रहिंदा आ, उस सर्व शक्तिमान परमेश्वर नूं कहे तू मुड़ जा, तू पछता, अपना फैसला बदल। हालेलुया। असी कह सकदे आ नहीं, जदों तक एक रिश्ता साडा गूढ़ा परमेश्वर दे मित्रता पूर्वक ना होए, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र नूं कह सकदा आ तू आ बुरा काम ना कर, और उहदा दूसरा मित्र मान लेगा, और प्रभु ने भी इहो जिहा रिश्ता साडे नाल कायम कीता आ, और मूसा ने परमेश्वर नूं कहा प्रभु तू मुड़ जा, तू रिपेंट कर,
इस गल तो माफी मांग अजिहा नहीं करना। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने मूसा दी गल मान लई। प्रभु तू अजिहा ना कर ते परमेश्वर स्वर्ग दे विचों कहेगा ठीक है मेरे दोस्त मैं नहीं करदा। हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर चाहुंदा है कि कोई मेरे उत्ते अपना हक जताए, कोई कवे कि मेरा दोस्त आ वो स्वर्ग दे विच आ, जिवें मैं अब्राहम दा मित्र सीगा, जिवें मैं मूसा दा मित्र सी, अज मैं अपने लोकां दा भी दोस्त होना चाहुंदा आ। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर साडे तो दूर नहीं आ। हालेलुया। ओ परमेश्वर साडे तो दूर नहीं आ, ओ किते होर दूर तीर्थ यात्रा ते नहीं बैठा, ओ अज साडे दिल दे अंदर राज करता है और राज करना चाहता है। हालेलुया। हर एक बुरी गल अज असी अपने जीवन तो कटनी आ, जेड़ा उदा वचन नू तोड़दी आ, उदिया आज्ञावां नू तोड़दी आ, अज असी उना गल्लां नू दूर करना आ और सच्चे मन दे नाल परमेश्वर नू बाइबल दे विच पालना ते तुहानू पता लगना कि तुसी एने परमेश्वर दे नज़दीक हो गए आ, एने नज़दीक हो गए आ। जिहड़ी तुसी प्रार्थना करोगे परमेश्वर उनू सुनेगा, जिहड़ी तुसी प्रार्थना नहीं करोगे उनू नहीं सुनेगा। हालेलुया। जिहड़ा इसराइल दे विच एक भविष्यवक्ता होया जिहड़ा नाम एलिया सीगा और जो एलिया ने प्रार्थना की उस जगह ते 3.5 साल तक मीह नहीं पिया, क्योंकि उन्हें कह दिता सीगा ते परमेश्वर ने भी मननी पई कि मेरे जिहड़े भविष्यवक्ता ने एक प्रार्थना की आ, पर जो उन्हें फिर प्रार्थना की ते स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। पर इहो जे दोस्ताना संबंध दे विच परमेश्वर अज सानू बुलाना चाहुंदा है। हालेलुया हालेलुया। किहड़ा भाई भैन आ जिहड़ा चाहुंदा है कि परमेश्वर नाल उस रिलेशनशिप नू कायम करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ असी खड़े कर दिते आ, शर्त यह है कि हर एक तो अपनी परसनल बाइबल होनी चाहिए आ। और बाइबल अगर मैं किसी नू पुछा कि साल खत्म होन जा रहा किन्या ने पूरी बाइबल कंप्लीट की, तो अपने आप नू पुछ लो मैनू दसन की लोड़ नहीं है। इतों पता लगता कि साडा किन्ना रिश्ता आ, किन्ना असी परमेश्वर नू कोई गल करन दे लई मजबूर कर सकते हैं। हालेलुया। तुसी एक एक गल दी वेट करदे पए आ, परमेश्वर हजार लखा गल्लां करन नू तैयार आ, पर साडा रिश्ता उन्ना का जिन्ना क गुड़ पाओगे उन्ना क साडे लई मिठा आ। हालेलुया। एक नवी दी एक विश्वक्ता दी आवाज़ आ कि जदों उहदी आवाज़ आ हमेशा अपने लोग जिहड़े लोग आ उन्हां नू परमेश्वर दे नज़दीक लैके आएगा। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर सानू अपना मित्र बनाना चाहता। यूहन्ना दी इंजील उहदे 15 अध्याय दे विच लिखिया कि इत्तों वध के मित्रता की हो सकती है कि एक मित्र अपने मित्र दे लई जान दे देवे। हालेलुया हालेलुया। किन्यां नू इस वचन का पता आ, प्रभु यीशु ने कहा इतों बद के वह प्रेम अपने दोस्तों के नाल की कर सकता। यूहन्ना उहदा 15 अध्याय कढ़ीए, यूहन्ना की किताब, संत यूहन्ना की किताब उहदा 15 अध्याय। अज साडे लई वचन ही डिलीवरेंस आ, अज वचन ही साडे लई चंगियाई की प्रेयर आ, अज वचन नूं सुनना आ, बाकी गल्लां साडे लई फिक्कियां पै जांदियां जे असीं वचन नूं नहीं पढ़िया, उहदे नाल रिश्ता नहीं रखिया। 15:13 पढ़ीए, यूहन्ना दी इंजील 15:13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी प्रेम किया, उन्हें भी सानू मित्र होने का हक दिता। कहिंदा इतों वड्डा प्रेम कोई की कर सकता, कोई अपने मित्रा दे लिए अपना प्राण दे देवे। हालेलुया हालेलुया। हुण इस गल नू समझ लो, हुण इस गल दे लिए सीरियस हो जाओ कि प्रभु साडा मित्र बन के इस दुनिया ते आया ते उन्हें अपने प्राण दे दिते। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ जदी तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन आ, ये भविष्यवाणी आ। प्रभु कहता जो हुक्म जेड़ी मैं आज्ञा तुहानू दिंदा जे तुसी उन्हों मनोगे तो तुसी मेरे मित्र आ। अगे पढ़िए, अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। तुसी कहना नौकर थोड़ी है, तुसी दास थोड़ी है, तुसी गुलाम थोड़ी है, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। कहना तुसी दास थोड़ी है, असी कहते प्रभु मैनू दास ही बना ला, मैनू फलाना बना ला, और प्रभु कह रहे तुसी दास थोड़ी रह गए, तुसी मेरे नाल मित्र हो गए। और
मित्र जिहड़ा आ जो दूसरा मित्र कुछ करता सारा कुछ करता दसदा आ और प्रभु कहिंदा मैं तुहानू सारा कुछ दस्या इस तों वध के मैं अपनी जान तुहाडे लई दे दिंदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ए सानू पता है एक असी कहानी सुनी बचपन दे विच सारे ने लिखी मतलब ही दोस्त दी कि दो दोस्त पक्के सीगे पर जदों शेर आया एक दोस्त पेड़ दे उत्ते चढ़ गया दूसरे नू चढ़ना नहीं आउंदा सीगा पर उह बेचारा थल्ले रह गया और पक्के दोस्त मजबूत दोस्त हालेलुया और शेर आया और शेर जदों जिहड़ा थल्ले सीगा ऑब्वियसली उहनू खाणा ही सीगा और जदों उहनू खाण लगा पर उहने खाधा नहीं और चला गया और उपर जिहड़ा पक्का दोस्त सीगा और उहदे कोल आया कहिंदा की तेरे शेर कान दे विच कह गया है? और उहने कहा कि शेर ने यह कहा कि तू अपने मतलबी दोस्तों सावधान हो जा और कहानी का मोरल सिखिया यह सी कि मतलबी दोस्त हालेलुया वह वाला दोस्त नहीं जिहड़ा सानू मुसीबत दे विच छड के चले जाए वह वाला प्रभु यीशु साडा दोस्त बनिया जिहड़ा कहिंदा कि मैं अपने लिए जान दवांगा दवांगा सिर्फ कहन दे विच नहीं बल्कि उन्हें दे के भी दिखाई हालेलुया। जिस मौत दे उत्ते जिस सलीब दे उत्ते असी चढ़ना सीगा वह परमेश्वर ने उस मौत नूं आप सह लिया तां जो असी उस परमेश्वर दे नाल ऐसे दोस्ताना संबंध दे विच बन सकीए कि जिहड़ा स्वर्ग उस परमेश्वर ने तैयार किया असी उहदे विच चले जाइए। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दोस्तां दे लई एक अच्छा स्वर्ग तैयार किया उस परमेश्वर ने स्वर्ग नूं भी की करना जे उहदे दोस्त उस दे विच एंटर नहीं कीते अगर वह पाप दे धक्के चढ़े रहे अगर वह पाप करते रहे परमेश्वर कह रहा है कि तुसी पाप नहीं करना मेरी आज्ञा नूं मनना आज्ञा मनना तुहाडे लई धार्मिक गिणिया जाएगा और तुसी परमेश्वर दे मित्र कहलाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अज वादा करो कि मैं बाइबल नूं पढ़ना शुरू करना आ हले तक भी जिन्होंने नहीं शुरू किया वो पढ़ना शुरू करो मैं सच कह रहा प्रभु जल्दी आ रहा है और उन्हां लोकां नूं उठा के लैके जाएगा जिन्हां नूं बाइबल दे बारे पता होएगा जिन्हां दा एक अच्छा रिश्ता कायम होया होगा बाकी चाहे जिन्निया मर्जी भीड़ा चर्च दे विच लगिया होण गिया और लोकां दे जिहड़े अखां खुलियां रहण गिया कन्न खड़े रहण गे वो धरती दे उत्ते रह जाणगे परमेश्वर कहेगा कि मैं इन्हां नूं नहीं जाणिया परमेश्वर साफ साफ कहेगा कि मैं इन्हां नूं नहीं जाणिया जिहड़े सानूं लगदे आ कि भाई भैण बड़े बेचारे जे आ इन्हां नूं कोई पसंद भी नहीं करदा जां किस तरह दा आ इह नकारे जांदे आ उह सब तों पहला स्वर्ग दे विच जा के परमेश्वर दे सज्जे हत्थ बैठ जाणगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। इहो जे भाई भैण भी आ एक एक पिछले दिनों दे विच एक जगह ते सिस्टर आई और जदों पास्टर जी ने चर्च शुरू किया मैं भी प्रभु नूं ग्रहण नहीं किया सीगा उस समय और लड़की घर दे विचों कल्ली आंदी सीगी और बाइबल पढ़ती सीगी और अज उहदा ब्याह भी हो गया लगभग 7-8 साल बाद और 2-3 हफ्ते पहला वो आई और उन्हें दस्या कि पास्टर जी मैं घर भी बाइबल नूं पढ़ती पई हां मैं हले भी प्रभु नूं मैं छड्डिया नहीं मैं त्यागिया नहीं। हालेलुया हालेलुया। और इहो जे लोग स्वर्ग दे विच अगे जाके बैठणगे और जिहड़े सानूं लगदे कि असीं कलीसिया दे विच आंदे आ पर असीं बाइबल नहीं खोलदे सानूं पता नहीं प्रार्थना किदां करनी और प्रभु उहनां लोकां नूं मैं सच कह रहा प्रभु कह देगा कि मैं नहीं जाणिया इहनां नूं। हालेलुया। अगर चाहते हैं कि प्रभु सानू नाल लेके जाए तो प्रभु आएगा असी स्वर्ग दे विच जावांगे और उन्हां लोकां नू लेके जाएगा जिन्हां दा एक अच्छा रिश्ता बनेगा। हालेलुया प्रभु 15 अध्याय दे विच यूहन्ना दे विच कह रहा कि जदों तक एक टाहणी जिहड़ी आ बेल दे नाल बनी रहेगी वह तां ही फल लैके आ सकती है और जिन्ना चिर असी उस प्रभु दे नाल जुड़े हाँ साडा फल आ सकता। प्रभु कहिंदा तुसी मेरे तो अलग हो के कुछ नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ अग दे विच चुक के जा सकते हैं वह टाहणी सुक के अग दे विच सुट्टी जा सकती है। अजिहा हाल किते किसी का ना हो जाए कि परमेश्वर सानू कहे कि मैं तुहानू नहीं जानदा तुसी मेरे तो अलग आ। प्रभु कह रहा कि तुसी मेरे नज़दीक आ जाओ मेरे नाल जुड़ जाओ क्योंकि मेरे नाल जुड़ के तुसी एक फल लेके आ सकते हैं। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर सानू एक रिश्ते दे लई बुला रहा है। मैं फिर क्यों इस गल नूं दोहरा रहा परमेश्वर का हार्ट मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा हाँ परमेश्वर सानू बुला रहा है और जो सानू लगे कि साढ़े घर कोई रिश्तेदार आया कोई गुआंढी आया साडा सिर दुखन लग पवे ये कि घड़ी चल जाए
बस मैं इनू वचन सुनाना है और सुनाता और उस तो बाद साडा ध्यान होवे कि मैं हुण प्रार्थना करनी आ, मैं लुप छुप के बाइबल पढ़नी आ। चाहे साडे घर बाइबल खोलन की इजाजत नहीं आ, पर साडा दिल इन्ना बेचैन होना चाहिए। अज मैं 15 चैप्टर पढ़े नहीं, मैं अज सो नहीं सकता, अज मैं रोटी नहीं खानी क्योंकि मैं अज बाइबल नहीं पढ़ी। साडा अजिहा मन होना चाहिए। अगर अजिहा होया तां असीं प्रभु दे नाल एक मित्रता पूर्वक संबंध दे विच जुड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। साडे घर दे विच साडी सिस्टर ने प्रभु नूं कबूल कीता और लुप छुप के चोरी चोरी बाइबल पढ़दिया सी। और अजे लोग आ फौज दे विच जिन्हां देशां दे विच बाइबल पढ़ना मना सी, वो जदों बाथरूम नूं जांदे सीगे नहाउंदे सीगे एक दो नंबर दे लई जांदे सी, उस जगह ते चोरी चोरी वह बाइबल पढ़दे सीगे, क्यों? एक अच्छा रिश्ता कायम रखना चाहते सी। हालेलुया, अज साडे कोल आजादी भी आ, अज साडे कोल सारा कुछ आ, साडे कोल सैपरेट रूम भी आ, पर रूम दे विच बाइबल नहीं आ। और इस तो परमेश्वर उदास हो रहा कि इस मेरे पुत्र ने मैनू नहीं जाणिया, यह नाश दे वाल जा रहा है। और इन्ना वड्डा स्वर्ग परमेश्वर ने साडे लई तैयार किया जिहदी आपां कल्पना तक भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। अफसिया दी पत्री एक अध्याय उहदी 5 आयत पढ़ांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अज दे वचन तो सुनन तो बाद अज साडी रिलेशनशिप परमेश्वर दे नाल रिस्टोर हो रही है। अज वचन सुनन तो बाद सानू प्रार्थना करन लई असीं मजबूर होवांगे, असी घर बाइबल खोलने लिए मजबूर होवांगे और एक सच्चा रिश्ता कायम करन दे लई असी प्रभु दे नाल मजबूर हो जाएंगे। ये मेरा वचन है तुहाडे लई। हालेलुया, हालेलुया। अफसिया दी पत्री एक अध्याय उहदी 5 आयत। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर जो साडे लिए सोचता, पास्टर कमल जी कहते होंगे कि जो परमेश्वर ने साडे लिए सोचा साडे तो उत्तम सोचा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर जो सानू कुछ नहीं मिलता और पास्टर जी को पता कि ये कोई चीज़ नहीं आ, तो उन्होंने हमेशा आके कहना कि परमेश्वर ने तुहाडे लई कुछ वड्डा सोचा है। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच ये गल सच आ कि परमेश्वर ने साडे लई बहुत वड्डा सोचा पिया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अज सानू लगता किसी दे कोल किसी चीज़ की कमी आ, किसी की मैरिज दे लई किसी तरह का कोई भी तुहानू नीड हो सकती आ, तां ये वचन ग्रहण करना कि परमेश्वर ने साडे लई वड्डा सोचा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी छोटा नहीं सोच सकता। और पहला असीं सिखिया कि परमेश्वर ने सानू मित्र बनाया। अगर वो पुराने नेम के लोग प्रभु के मित्र कहलाए गए, नवे नेम के लोग बढ़ के होने चाहिए। आमेन। और इस जगह से लिखिया अफसिया की पत्री है 1:5 अध्याय दे विच, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस जगह ते नहीं रुके, आप प्रभु होर एक रिलेशनशिप क्लोज लेके आया, एक होर उन्हें रिश्ता बड़ा कर दिता। हुण उसने मित्रता नूं एक पुत्र एक धी दे विच बदल दिता। और क्या मेरी ये इच्छा आ, ये मेरी खुशी की इच्छा आ कि मैं इतों पहला कि दुनिया बनाई जगत दीआं नीआं धरिया गईआं, मैं तुहानूं चुन लिया तुहाडे मां दे पेट दे विच, इतों पहला तुसीं आए मैं तुहानूं रच लिया अपने लई, अपने पुत्र और धीआ होण दे लई। हालेलुया, हालेलुया। कि हमें पहले से ठहराया कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए असीं परमेश्वर दे पुत्र और धीआ आ। बोलिए असी परमेश्वर के पुत्र औरती आया, असी परमेश्वर के पुत्र औरती आया। उस बाप नू उस मां नू पूछ के देखो जिदा एक वड्डा घर आ और उदे घर दे विच बच्चे नहीं आ, रोंदे होणगे और कंधा नू देख के वह सिर मारदे होणगे कि इन्नी वड्डी इन्ना वड्डा महल इन्ना वड्डा घर असी की करना, इहदे विच साडे बच्चे खेडण दे लई नहीं आ। और परमेश्वर ने भी एक इन्ना वड्डा हैवन स्वर्ग तैयार किया गया, सोने दिया सड़का, कच वर्गा समुंदर आ, और जिथे लाइट की जरूरत नहीं, जिथे खाने की जरूरत नहीं, जिथे खुशियां आ, जिथे एक आंसू भी साड़ी अख च नहीं आना, उस परमेश्वर ने बहुत वड्डा स्वर्ग महल तो वह अगे कुछ नहीं साडे लई तैयार किया आ। और पर अज बच्चे उस चीज़ नूं जानना चाहिए, अज बच्चों नूं उहदी इच्छा होनी चाहिए आ कि अज असी उस महल दे विच जाना जो साडे पिता ने साडे लई तैयार किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहिंदा कि तुसी मेरे पालक पुत्र हो, मतलब कि असी पुत्र नहीं सीगे, सानू अडॉप्ट किया, असी पाप की संतान सी, जिहड़ा पाप करदा वचन कहिंदा उह शैतान तों जम्मिया,
पर वह शैतान की संतान आ, पर परमेश्वर ने अपने लहू की कीमत दे के सानू अपने पुत्र और धिया बना लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुण परमेश्वर ने सानू एक बड़ा हक दे दिता कि अज असी उहदे पुत्र आ। बोलिए असी पुत्र हाँ, बोलिए असी पुत्र हाँ, असी पुत्र हाँ, बोलिए असी धिया हाँ, असी धिया। जो असी चलदियां हाँ सानू पता होना चाहिए कि असी केड़ी संतान हाँ। जो असी चलते हैं सानू पता होना चाहिए असी केड़ी संतान हाँ। असी नशा नहीं कर सकते, असी गंदे काम नहीं कर सकते, असी किसी का दिल नहीं दुखा सकते, क्योंकि असी उस परमेश्वर की संतान हाँ जिन्हें अपनी जान साडे लई दे दी। हालेलुया, असी 5 रुपए के बदले, असी 10 रुपए के बदले किसी ने धोखा नहीं कर सकते, 100 रुपए के बदले असी किसी बुलाना नहीं छड़ सकते, असी कोई छोटी जी चीजा के पिछे किसी का नुकसान नहीं कर सकते। अज असी ओदी संतान हाँ जिन्हें सानू पुत्र और धिया होने का हक दिता और अपना अपने आप नू साडा पिता बनाया। प्रभु उस रिश्ते दे लिए बुला रहा। सानू लगता है कि मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं है, मेरा वचन पढ़न नू दिल नहीं करता। जे तुसी उहदे पुत्र और धिया आ तां तुसी अपने बाप दे मुख दे बिना देखे तुसी सौ नहीं सकते। आमेन। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਠਾ ਠੂ, ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਫੜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਗੁੰਡਾ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਭੀਖੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਗਰੀਬੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਦੇ, ਆਹੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਡ ਆਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ A to Z ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਬੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਬੋਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਔਰ ਧੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਏ
ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। थैंक यू जीसस। रे खाता बो नामा खाता बोलरा रे मोना माना था बोलरो शीता मोलरा। रोमिया की पत्री लिख लो। थैंक यू जीसस। ओदा 14 8 दे आए ओदी 14 आए तो इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सुनिए सुनिए सब जन अपने कानों को खोल दिए फिर दोबारा पढ़िए। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर पढ़िए। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, प्रभु ने सानू एक शरीर दिता, एक ओदे विच आत्मा दिती। जे असी शरीर दे पिछे भज्जी जावांगे तां असी परमेश्वर दी संतान नहीं आ। वचन कहता जिन्हें उदे आत्मा दे द्वारा चलाए जाते परमेश्वर दे की आ उदी संतान आ उदे पुत्र आ। 15 आयत पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। हाँ, सुनिए परमेश्वर कहता तुहानू गुलामी पांदी आत्मा थोड़ी मिली जे तो तुसी डरो। तुहानू डर लगता प्रभु दे लागे आउण नू, प्रार्थना करन नू, वचन पढ़न नू। प्रभु दा आत्मा कह रहा तुहानू ओह वाला आत्मा नहीं मिलिया जिथों सानू गुलामी महसूस होवे। वचन दसदा रोमिया उहदे 8 अध्याय तों पहला कि पाप जो दुनिया नू पाप करवांदा आ ते उह अपने दास बना लैंदा आ, उह गुलामी करवांदा आ। अगर कोई बीड़िया सिगरटा शराब पींदा है गलत संगति करता है पाप उहनू गुलाम बना लैंदा। समझी इस गल नू, उहदे गुलाम आ। जिहड़ा झगड़े करता आ किसी नू गुस्सा करता किसी नू देख के नहीं राजी उहदा गुलाम आ, उह नहीं कर रहा उह पाप दा गुलाम आ। और जो गुलाम आ ते पाप जितन चाहे उन्होंने मोड़ सकता क्योंकि वह गुलाम हो चुके आया। और बच्चों मारे अपनी पत्नी मारे वो गलत काम करे वह अन्ना हो गया क्योंकि गुलाम वो अपनी इच्छा नहीं चलती। और प्रभु इस जगह से की कह रहा मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाया, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाया कि मैं अपनी धी को फड़ांगा और फट के कहांगा चल इतने 2 घंटे प्रार्थना कर। मैं तुहानू गुलाम नहीं बनाया कि मैं अपने पुत्र दे कोल जावांगा और फड़ फड़ और 3 घंटे बाइबल पढ़नी है। एक गुलामी पांदे लक्षण आ। परमेश्वर कहिंदा तुसी मेरे गुलाम नहीं आ। पर पाप जिहड़ा आ जो जदों करांदा आ जदों उहदे उत्ते स्वामी बन गया तां उह कह सकदा आ फड़ 1 सिगरेट दी डब्बी पीती आ 2 पी आ 3 पी उहनू करना पएगा। और परमेश्वर कह रहा कि मैं तुहानू गुलाम नहीं बनाया। गलत काम करते आ गलत रिलेशनशिप आ वो पाप दे लक्षण आ, वो गुलामी दे लक्षण आ। और जे तो परमेश्वर दुखी हुंदा आ परमेश्वर कहिंदा मैं तुहानू गुलाम नहीं बनाया बल्कि मैं तुहानू अपने पुत्र बनाया आ। हालेलुया। प्रभु जबरदस्ती नहीं करदा, प्रभु ने किसी दे नाल जबरदस्ती नहीं कीती तुसी मेरे पुत्र आ। गुलाम थोड़ी बनाया, गुलाम बनाना हुंदा तां उहने पूरी दुनिया नू बना लेना सीगा। तुसी मेरे पुत्र आ। पढ़िए 15 आयत। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो परंतु लिपालकपन की आत्मा मिली है। तुसी कहिंदा एवें डरी जांदे आ, तुसी गुलाम थोड़ी बनाए गए आ, तुहानू लिपालकपन दा आत्मा, तुसी मेरे पुत्र बन चुके आ। अगे पढ़िए। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और असी उहदे पुत्र धीआं बन गए आ और उहदी सहायता दे नाल असी प्रार्थना करदे आ हे अब्बा हे पिता असी उहनू कह सकदे आ। हालेलुया 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 हालेलुया। पर एक आ जिहड़ा सानू गुलाम बणाउंदा आ ते साडी जवान दे विच असी इस गल नू वी नहीं कह सकदे कि उह मेरा पिता आ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ हे ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, हे ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, हे ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਾਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, गुलाम नहीं जानता कि उहदा स्वामी उहनू कीड़ा हुक्म दे दे, उहनू मनना पैणा आ। पर साडे परमेश्वर ने सानू पुत्तर और धीआ बणाया। हालेलुया हालेलुया। और ठीक जी अगे पढ़िए, जल्दी ना खत्म करांगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। उहदी आत्मा साडी आत्मा दे नाल गवाही दिंदी आ कि असी उहदी की आ
संतान बोलिए असि प्रभु की संतान हाँ, असि प्रभु की संतान बोलिए, जिन्हें भी चाहे सानू पाप कायल कर रहे बोलिए असि परमेश्वर की संतान हाँ, परमेश्वर की संतान आगे बढ़िए असि प्रभु की संतान हाँ, और जदि संतान है तो वारिस भी है हाँ, जदि संतान है तो फिर किया वारिस भी, बोलिए जदि संतान है तो फिर किया जदि संतान, बोलिए वारिस भी हाँ, वारिस भी हाँ, बोलिए वारिस भी हाँ, वारिस भी हाँ, फिर बोलिए बारिश भी हाँ, बारिश भी हाँ, बारिश मतलब कि जो कुछ पिता दा या उसकी प्रॉपर्टी दा वारिस कौन है, असी हाँ, हाँ जी पुत्र और धीआ आ, अगर चंगियाई साडे कोल साडे पिता दे कोल आ ते उहदे वारिस कौन है, असी हाँ, अगर बरकता साडे पिता दे कोल आ ते उहदे वारिस कौन है, असी हाँ, अगर आत्मिक दान वरदान फल साडे पिता दे कोल आ ते उहदे वारिस कौन है, असी हाँ, अगर जमीन जायदाद दी बरकता उहदे पिता दे कोल आ ते वारिस कौन है, असी हाँ, हालेलुया हालेलुया, असि किया असि संतान आ प्लस किया वारिस भी आ, बोलिए वारिस भी आ, वारिस भी आ, हालेलुया हालेलुया, और वारिस नु कहना नहीं पैंदा प्रभु मेरे लिए कर दे, उन्हें रोना नहीं पैंदा उस गल दे लिए, प्रार्थना करनी नहीं पैंदी कि मेरे लिए कर दे, धन्यवाद करेगा और प्रभु मेनू तुसी कर देता मेरे लिए तेरा धन्यवाद, और जेड़ा वारिस आ ओदे लिए परमेश्वर करेगा भी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पर सानू लगदा असि गुलाम आ, असि ना संतान आ ना दोस्त आ ना असि वारिस आ, असि गुलाम आ, और जेड़ा गुलामी कौन करवांदा शैतान, वह किसे दा भी किसे नू भी फड़ के वह किते भी छेड़ देगा, आ बुरा काम कर, आ इनू गाला कढ़ दे, ओ अपने माँ किसे नू मार कुट, गलत संगति दे विच रह, हर प्रकार का पाप उहदे तों करवा लेगा क्योंकि वह गुलामी के अधीन आ, पर असी गुलामी के अधीन नहीं हाँ, असी सनशिप असी उहदी संतान के अधीन आ, असी उहदी संतान आ, ते जिहड़ी संतान आ उहदे की आ वारिस भी आ, हालेलुया हालेलुया, बोली असी वारिस भी आ, असी वारिस भी आ, सानू रोण दी लोड़ नहीं पैनी, असी वारिस आ, सानू समझ दी लोड़ आ, अगे वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, परमेश्वर दे वारिस और मसीह दे संगी वारिस, हालेलुया हालेलुया, उस स्वर्ग दे वारिस आ ते मसीह दे की आ संगी वारिस, बोलिए संगी वारिस आ, संगी वारिस आ, मतलब कि असि प्रभु ने सानू ओ दर्जा दिता जो मसीह ने दिता, कि मसीह दे नाल असि बराबर वारिस दे आ, जो कुछ पिता पर मसीह दे लई करन नू तैयार सीगा ओ अज साडे लई भी करन नू तैयार आ, आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, असि कहना प्रभु बस आही कर दे, ओदे लई सारा साडा आना जाना चर्च दे विच बस सही हो जाए, और जदों हुंदा आ उस तों बाद चर्च तों आना गायब हो जांदे आ, इसलिए प्रभु बहुतियां गल्लां करदा नहीं आ, बस आई जाओ थोड़ा सीखो तो सही कम से कम एक रिश्ता तो बना लो, और प्रभु चाहे तो एक पल दे विच कर सकदा, तुहाडे फर्स्ट कमिंग दे विच आए और कर देंदा, बहुत सारे लोग इस जगह से पहली बारी आए और पहली बारी आने से उन्होंने हो गया, और सिस्टर एक भैन नूं लैके आई और उन्हों का बेटा सीगा काला पीलिया सीगा, डॉक्टर ने सारे पासे जवाब दे दिता, घर मरण के लिए उन्हें छड़ दिता, और उसकी मम्मी एक दिन इस जगह से आई, और उन्हें सिस्टर ने अगे लैके आंदा, मैं प्रार्थना की और उस तो बाद उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, और महीना डेढ़ महीना वह चर्च च नहीं आए, बाद चो आए, फिर उस सिस्टर ने दसा की होया, वो बेटा एक बार प्रार्थना करन तो ठीक हो गया, हालेलुया सिस्टर जी, हो गया या नहीं हो गया, पूरी तरह ठीक है, जे प्रभु पहली बारी करन लग पवे सानू है ना वो धन्यवाद, वो रिश्ता सानू ना फजूल जहा लगना आ, प्रभु करन नू कर सकदा आ, वो अपने नवीआं दीआं अपने जिहड़े दासां दीआं प्रार्थनावां नू व्यर्थ नहीं होण दिंदा, पर उस तों वध के वो चाहुंदा आ कि असीं उहदे पुत्तर बणीए, वारिस भी बणीए और मसीह दे नाल संगी वारिस भी बणीए, हालेलुया हालेलुया, पढ़िए अगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी, हाँ जे सानू लगता कि प्रभु दे नाल सानू दुख उठाना पैंदा आ, सानू ताने मेने सुनने पैंदे आ, मसीह दे कारण साडा नुकसान हुंदा आ, तां प्रभु कहिंदा कि उस मसीह दे नाल जे असी दुख उठांदे आ तां साडे लई इक महिमा भी वेट करदी पई आ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और वचन दा अर्थ कि जिहड़ी महिमा आ जिहड़ी लेटर जिहड़ी आउण वाली महिमा पहली महिमा तों किते अधिक होवेगी, हालेलुया हालेलुया, खड़े होइए सब जन, थैंक यू जीसस, रेखा था बोल राम अंधालरा, कुछ कुछ भी इस जगह से अपने आप नूं मजबूर समझ के ना करया करो कि पास्टर जी ने कहता हाथ खड़े करने आ ते सानू करने पैणे आ, प्रार्थना खुश दिली दे नाल, परमेश्वर कहता कि मैं खुश दिली दे नाल स्वै इच्छा दे नाल उस अच्छी अभिप्राय दे नाल मैं तुहानूं पुत्र बना दिता आ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हुण जदों असीं प्रार्थना करांगे
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਖੋਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਕਾ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੇ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਧੀ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਲਿਥ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਗਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।